हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम गोल घेरे वाले पल्लों की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देखो, मैंने ये कपड़ा लिया है और इसको चार बार ऐसे फोल्ड कर लिया है। देखो, 1 2 3 और ये 4, चार फोल्ड कर लिए हैं और प्रेस के साथ इसको बिल्कुल जचा लिया है। उसके बाद हम माप देखेंगे। तो देखो गाइस, माप हमारे पास लंबाई है 38, ब्रेस्ट है 50, कमर है 43.5 और हिप है हमारी 52, गला हमने लेना है 7.5 और बैक का 8, कंधे हमारे पास 16। तो इस हिसाब से हमें सूट की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे ब्रेस्ट का निशान, आर्म होल का निशान। तो आर्म होल का, ब्रेस्ट आर्म होल का निशान हम लेंगे 7.25 पे और कमर का हम लेंगे 15 पे और हिप का हम लेंगे 21 पे। ऐसे ही हम यहाँ पे इन निशानों को सीधा कर लेंगे, 7.25, 15 और 21, इनको अब हम सीधा कर लेंगे। लंबाई का निशान लेंगे। तो इसमें हमने गोल घेरे वाले पल्ले की कटिंग करनी है, तो लंबाई हमने लेनी है यहाँ पे 38 तैयार। तो यहाँ पे हम 38 पे निशान लगा लेंगे। बिल्कुल सीधा निशान हमने लेना है, तो ये 38 और इसको भी हम सीधा कर लेंगे। देखो गाइस, ये निशान हमने सीधा कर लिया। अब हम कंधे का निशान लेंगे। कंधे आया हमें यहाँ पे हमारा 16, तो 16 हमारा माप का कंधा, तो इसमें से हम 1 इंच कम कर देंगे तो हमारा आएगा 15। 15 का हम हाफ ले लेंगे, 7.5। यहाँ पे हम कंधे का निशान लगाएंगे 7.5 पे और फ्रंट आर्मोल का निशान हम लेंगे यहाँ पे 7 का, कंधे से 1 इंच कम करके 7 का, और बैक का हम 1.5 इंच बढ़ा के लगा लेंगे निशान और इनको हम सीधा कर लेंगे। ऐसे और ऐसे, देखो यहाँ पे अब हम ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे। तो ब्रेस्ट हमारी यहाँ पे 50, तो उसका हम 1/4 भाग लेंगे, 12.5। कमर का है 44, तो 44 का हम 1/4 लेंगे, 11। और हिप हमारे पास 13, 52 है तो उसका हम 1/4 लेंगे, 13। और यहाँ हिप पे भी हम यहाँ पे 13 पे निशान लगा लेंगे ऐसे। और यहाँ पे हम प्लेट का निशान लगाएंगे 12 पे। तो ये हमारी 3 होगी, 3 इंच यहाँ ऊपर और 3 इंच हम नीचे ले लेंगे, उतनी थी जितनी हमारी कमर से ऊपर उतनी ही नीचे। और 4 इंच हम यहाँ से ले लेंगे और 4 इंच यहाँ से। इन निशानों को अब हम सीधा कर लेंगे। और यहाँ पे आधा आधा इंच की हम प्लेट डालेंगे, तो यहाँ पे आधा इंच यहाँ पे और आधा इंच यहाँ पे। इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे ऐसे। सीधा कर लेंगे और यहाँ से भी, और यहाँ पे हमारा 1 इंच कम हो गया, तो 1 इंच हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और 2 इंच मार्जिन का, और 2 इंच हम मार्जिन का ऊपर निशान लेंगे। यहाँ पे हम आर्म होल की शेप दे देंगे, आर्म होल स्केल के साथ भी दे सकते हो आप शेप, और ऐसे चौक के साथ भी। उसके बाद हम गले का निशान लगाएंगे, तो गला हम लेंगे 4 इंच का, यहाँ पे 4 पे निशान लगा लेंगे। आधा इंच का हम यहाँ पे डाउन देंगे और यहाँ पे बैक पार्ट हम 1 इंच बढ़ा के कटिंग करेंगे।
भी अगर इसी तरीके से सूट की कटिंग करोगे बैक पार्ट उठा के 1 इंच, तो आपका गला भी कभी पीछे नहीं जाएगा ना ही आपके कंधे गिरेंगे। और यहाँ पे हम आधा इंच का नीचे डाल दिया था, इस पर निशान लगा लेंगे। इनको मिला लेंगे हम कमर के निशान को ब्रेस्ट के निशान से, और ऐसे ही मार्जिन वाले निशान को मिला लेंगे। ये कमर के निशान को हम हिप के साथ मिला लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने गोल घेरे की कटिंग करनी करी है, तो यहाँ पे हम सिर्फ एक इंच लेंगे मार्जिन, 1 इंच का लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हाँ इसमें कम मार्जिन होता है गोल घेरे वाले में। अब हम इस निशान को सीधा कर लेंगे, सबसे पहले हिप वाले निशान को ऐसे, और 1-1 इंच हम यहाँ पे मार्जिन का निशान ले लेंगे, और इसको भी हम सीधा कर लेंगे ऐसे, और यहाँ से भी हम 1-1 इंच का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरफ, और इस तरफ भी हम 3 पे निशान लगा देंगे ऐसे, और इसमें गोलाई की शेप दे देंगे ऐसे।
निशान हमारे होके, अब ये जो हमारी प्लेट है प्लेट को भी हम ऐसे निशान लगा लेंगे। तो देखो गाइज, गोल घेरे वाले सूट की हमने कटिंग कर ली थी और अब इस पल्लों की हम स्टिचिंग करेंगे। गला हमने बना लिया इसका, फ्रंट और बैक फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हमने पल्ले की स्टिचिंग करनी है। तो पल्ले के लिए देखो, ये मैंने एक एक इंच का कपड़ा छोड़ के ऐसे ही निशान लगा लिया है चारों तरफ। ये देखो, दोनों पल्लों पर लगाना आपने, आगे पीछे ऐसे निशान लगा लेना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये फ्रंट लेंगे इसका सूट का, जो भी फ्रंट हो आगे या पीछे का फ्रंट लेना आपने सीधा पल्ला। और उस पर इस लेस को हम लगाना शुरू करेंगे। पहले हम लेस अटैच करेंगे, तो ऐसे यहाँ से हम हिप के निशान से ऐसे लेस लगाएंगे। ये देखो, एक एक इंच का छोड़ते हुए हम ऐसे ही लेस अटैच कर लेंगे और इसके किनारे पे सिलाई लगा देंगे। तो देखो गाइस, ये लेस हमने अटैच कर लिया, देखो पूरे घेरे पे। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये लेस हमने लगा लिए, अब इसके ऊपर हम इसको जो हमने एक एक इंच का ये मार्जिन छोड़ा था उसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। पहले यहाँ इसके ऊपर हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, देखो ऐसे इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और फोल्ड करके। ऐसे फोल्ड करते हुए पूरे पे हम ये सिलाई लगा लेंगे। ये जो गोलाई वाला पार्ट है उस पे हम बिल्कुल ध्यान से फोल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या होएगा, कपड़ा एक्स्ट्रा होएगा तो चुंगट पड़ेंगी।
तो ऐसे हम इस पे यहाँ पे धीरे धीरे करके फोल्ड करेंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके गोलाई वाले पल्ले पे। ऐसे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके इसको फोल्ड कर लें। तो देखो गाइस, ये पूरे घेरे पे हमने ये सिलाई ऐसे लगा ली है। देखो फ्रंट में ऐसे ही सिलाई लग गया, देखो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ गोलाई में भी और यहाँ साइड में भी। देखो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस लेस को ऐसे, और इस पे यहाँ नीचे की तरफ एक सिलाई लगा लेंगे ऐसे करके। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इस पे एक सिलाई लगा लेंगे। एक एक पैर का मार्जिन देते हुए देखो गाइस, ये लेस हमारी लग गई है। देखो कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है, ये देखो देखो यहाँ पे कितनी फिनिशिंग है पल्ले गोलाई पे। अब हम दूसरे वाले पार्ट की भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे, लेस लगा लेंगे। लेस लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो गाइस, ये लेस हमारी लग के तैयार है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है हमारा ये घेरा। देखो इनविजिबल लेस लगी है इसमें बिल्कुल भी। देखो ये देखो यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो देखो गाइस, आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।